फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है हुनर हाट की। आगरा में फर्स्ट टाइम हुनर हाट लगाए हम गए थे, तो मैंने सोचा जितना भी एक्सप्लोर करती हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ और जो भी वहाँ का था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो कॉन्टेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें और इस वीडियो को चलिए इन्जॉय करिए। अब तो ये हम पहुंच चुके थे, वो एंट्री गेट था जो मैंने आपको अभी दिखाया। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी, और बहुत सारे स्टेट से आए हुए थे लोग। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आगरा में शिल्पग्राम है जहाँ पर हर साल ताज महोत्सव लगता है फेब में। इस साल वो मार्च में लगा था, तो वहीं पर शिल्पग्राम में ही हुनर हाट लगा हुआ है और ये 29 मई तक है। आप चाहें तो ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप इन्जॉय करेंगे आई होप। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं। हुनर हाट में एंट्री फ़ीस जो है फ्री है, जैसे ताज महोत्सव में हमें पे करना पड़ता है, एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है, यहाँ पर नहीं है। हुनर हाट जो है बहुत सारे कल्चर का और ट्रेडिशन का मिक्सचर है, तो यहाँ पर बहुत सारे कल्चर के और स्टेट के लोग आते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं, इसीलिए ये हुनर हाट है। ये ब्लू आर्ट पोट्री जयपुर राजस्थान से, और ये स्टॉल है ग्लास बैंगल की अलीगढ़ से, और ये है ब्लू आर्ट पोट्री फिर से, ये है राजस्थान गारमेंट्स, और ये बहुत सारे स्टॉल्स आपको अलग अलग स्टेट के मिल जाएंगे, खुर्जा पोट्री। और ये हम लोग अब इन्जॉय कर रहे थे, ये कि आज बहुत थक गया था। और इसकी जो टाइमिंग है वो है 10 AM से 10 PM तक, और ये गवर्नमेंट की साइट से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, सारा कुछ मैनेजमेंट इसका देखा जा रहा है गवर्नमेंट की साइट से, और बहुत नीट एंड क्लीन जो है वहाँ की सर्विसेज हैं, वहाँ का सब। आज़ादी का अमृत महोत्सव, यही थीम ताज महोत्सव की भी थी, और वहाँ पर बहुत सारा स्टफ़ है, आप बहुत अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं, आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, और खाने की भी, कुजीन की भी बहुत सारी वैरायटी हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। थोड़ा थक जाते हैं लेकिन कहीं पर भी जाते हैं, और छोटे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं कि आज तो बहुत थक गया था। ये बहुत अच्छे लगे थे मुझे, ये पीसेस जो थे डेकोरेशन के लिए, और ये और वहाँ पे ज्वेलरीज भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, और इयर रिंग्स वगैरह, बैंगल्स, ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन था इनका, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पौंडीचेरी से थे ये, और हैदराबादी पर्ल भी थे वहाँ, हैदराबाद की भी स्टॉल लगी थी। और ये थे कारपेट्स एंड रग्स पानीपत से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे ये। देखिए तो हम आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं फूड स्टॉल्स में, तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी के फूड स्टॉल्स हैं, और ये देखिए खाखरा नमकीन अचार, ये स्ट्रीट स्नैक्स, कुल्फी चुस्की, और बहुत सारी स्टॉल्स लगी थी, बहुत सारी 150 से भी ज़्यादा लगी थी, 158 तो मैंने ही खुद ही दिखा दी है इसमें। और ये राजस्थान का था, और ये कर्नाटक का हलवा, ये देखिए कर्नाटक का हलवा एंड नमकीन, तो ये थे, ये सारे वैरायटी थे यहाँ पे। और मैंने नींबू पानी, सिकंजी और लस्सी भी ट्राई करा था यहाँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, चीनी तो थी ही नहीं, बिल्कुल फीका था, बिल्कुल टेस्टलेस था, अच्छा नहीं था। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा ह्यूज वैरायटी है, तमिलनाडु का हलवा, मुखवास, राजस्थानी पकवान, और शेक एवं जूस, मुखवास, राजस्थानी चाट, आगरा की चाट, और ये इस तरह से डेकोरेट किया गया था सारा, बैठने का भी अच्छा सिस्टम था सिटिंग के लिए, तो मुझे तो ओवरऑल अच्छा लगा। और ये स्टेज है जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, स्टेज भी काफ़ी अच्छा है जहाँ पर परफॉर्मेंस होती हैं। और ये हमने ऑर्डर किया था पूरा जो कॉम्बो था, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा और लहसुन की चटनी, और ये मैंने कुल्फ़ी खाई थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी,
नमकीन थी, कुल्फ़ी मीठी होनी चाहिए, ये नमकीन थी। और ये मुझे ये स्टैचू बहुत अच्छे लगे तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कैप्चर करके। तो ये मैं जो थोड़ा सा सामान लाई थी हुनर हाट से, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। भी बहुत सारी वैरायटी, तो ज़्यादा कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ, सारी स्टॉल्स लगी हुई थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई थी। तो ये जो ये फर्स्ट आइटम है ये वुडन का है और ये बहुत ही प्यारा है, मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ। और सेकंड जो ये है वो मैं ये रिंग लाई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये रिंग। और ये केयांश क्यों रो रहे हो? और ये लेके आए थे ये रैटल केयांश के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था, उसको अच्छा लगा था तो ले लिया था, खेलता वो वैसे है नहीं इससे। और ये दो स्टोन के स्टड हैं, बहुत एक्सपेंसिव था सब वहाँ तो। और ये पर ताज महोत्सव से मुझे सही लगा, अच्छा लगा। और ये एक नोज पेन है और ये सेट मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना क्यूट है। और इसे आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, छोटा मोटा सामान रखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए और इस वाले बैग में है, इस वाले बैग में ये इन्होंने लिया था स्नैक्स हैं कुछ जो इन्होंने वहाँ से लिए थे, ये बनाना चिप्स हैं और ये जैक फ्रूट के चिप्स हैं। तो बस इतना ही सामान लिया था मैंने वहाँ से, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें और मेरी वीडियो को शेयर करें, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।